नमस्कार, मैं प्रियंका ऑल्ट न्यूज से। 9 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव प्रचार का आगाज किया। इस दौरान उन्होंने यह दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 साल में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से कम विदेशी दौरे किए हैं। आइए देखते हैं अमित शाह ने क्या कहा। मोदी जी ने भारत का सम्मान दुनिया के अंदर बढ़ाने का काम किया। अभी अभी कांग्रेस के एक नेता बोलते थे कि मोदी जी विदेशों में घूमते हैं, मोदी जी विदेशों में घूमते हैं। मैंने थोड़ा जांच करा कि मनमोहन सिंह के 5 साल और मोदी जी के 5 साल ज्यादा विदेश में कौन गया, देखो भाई, तो मालूम पड़ा मोदी जी कम गए हैं, मनमोहन सिंह ज्यादा गए। तो मुझे मेरे मन में भी सवाल हुआ कि भाई दिखता तो ऐसा है कि मोदी जी ज्यादा गए, ऐसा क्यों हुआ। तो जैसा कि आपने देखा, अमित शाह कह रहे हैं कि उनकी जांच में यह बात सामने आई है कि पीएम मोदी ने 5 साल में मनमोहन सिंह से कम विदेशी दौरे किए हैं। लेकिन अमित शाह का यह दावा बिल्कुल गलत है। आइए जानते हैं कैसे। देश के प्रधानमंत्रियों द्वारा की गई सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं की जानकारी पीएमओ की वेबसाइट पर उपलब्ध है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तक सिर्फ एक कार्यकाल संपन्न किया है, इसलिए हम उनके एक कार्यकाल की तुलना डॉक्टर मनमोहन सिंह के 2 कार्यकाल से करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि दोनों नेताओं ने कुल कितनी विदेश यात्राएं की हैं। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में कुल 49 विदेश यात्राएं की, जबकि मनमोहन सिंह ने अपने पहले कार्यकाल में यानी 2004 से 2009 के बीच कुल 35 विदेश यात्राएं की, जो नरेंद्र मोदी की यात्राओं से 14 कम है। वहीं अगर हम मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल यानी 2009 से 2014 की तुलना करें तो उन्होंने कुल 38 विदेश यात्राएं की थी। ये भी पीएम मोदी की विदेश यात्राएं 49 से 11 कम है। अब देखते हैं कि इन यात्राओं के दौरान दोनों नेताओं ने कुल कितने देश के दौरे किए हैं। मनमोहन सिंह ने अपने पहले कार्यकाल में 35 विदेश यात्राओं में कुल 28 देशों का दौरा किया था, जबकि पीएम मोदी ने कुल 49 विदेश यात्राओं में 59 देशों का दौरा किया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने दूसरे कार्यकाल यानी 2009 से 2014 के बीच कुल 55 देशों का दौरा किया था। चाहे हम पीएम मोदी के विदेशी यात्राओं की तुलना मनमोहन सिंह के पहले कार्यकाल से करें या दूसरे कार्यकाल से, यहाँ भी उन्होंने मनमोहन सिंह को पीछे छोड़ दिया है। अब देखते हैं कि इन यात्राओं के दौरान दोनों नेताओं ने विदेश में कितने दिन बिताए। मनमोहन सिंह ने पहले कार्यकाल में 35 यात्राओं के दौरान कुल 147 दिन विदेश में बिताए। वहीं पीएम मोदी ने अपने 49 अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में कुल 186 दिन विदेश में बिताए। मनमोहन सिंह ने अपने दूसरे कार्यकाल में कुल 38 यात्राओं में 158 दिन विदेश में बिताए। यहाँ भी मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री मोदी ने पीछे छोड़ दिया है। ये सभी जानकारियाँ प्रधानमंत्री कार्यालय और पीएमओ आर्काइव की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अतः सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारियों से यह पता चलता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दावा पूरी तरह गलत है और प्रधानमंत्री मोदी 5 साल के कार्यकाल में मनमोहन सिंह से अधिक विदेश दौरे किए हैं। धन्यवाद।